तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सभी। मैं सुहेल सर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर पर स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टैली प्राइम में हाउ टू यूज़ गोडाउन। आप सभी को पता होगा, हम जब भी आइटम कोई सेल या परचेज करते हैं तो वहाँ पर हमें एक गोडाउन मेंटेन करना होता है। इट मीन्स आपका जो स्टॉक लगा रहता है वो कहीं ना कहीं गोडाउन में लगा होता है और उसी गोडाउन में आपको प्रोडक्ट को सेल या परचेज करना होता है। तो ऐसे एंट्रीज को करने के लिए आज सभी के सामने मैं प्रेजेंट हुआ हूँ टैली प्राइम को लेकर। होप लास्ट वीडियोस आप सभी ने देखी होंगी जो कि बहुत ही यूज़फुल लगी होंगी। वैसी इंटरेस्टिंग वीडियो आज सभी के लिए मैं फिर से आज एक बार लेकर आया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी चीज़ मिस मत करना वरना आपकी आप ही का लॉस होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग सीखेंगे गोडाउन मेंटेन करना। तो चलते हैं अपनी टैली प्राइम पे। इस तरीके से सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन कर लेंगे। टैली प्राइम ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर रहना है। गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए आपको करना क्या है, सबसे पहले गोडाउंस क्रिएट कर लेने हैं कि किस गोडाउन में कौन सा स्टॉक लगा हुआ है, मतलब कि वो कौन कौन से गोडाउंस हैं जहाँ पे आपका स्टॉक लगा है, वो गोडाउंस नेम यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पे क्रिएट का, क्रिएट पे आके एंटर कर लेंगे। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन एक मिल जाएगा आपको गोडाउन का, गोडाउन एंटर कर लेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, अल्टर एग्जिटिंग एंड फर्स्ट इज क्रिएट न्यू, तो आपको क्रिएट न्यू पे आके एंटर कर लेना है। और यहाँ पे आपके जो भी गोडाउंस रहने वाले हैं उन गोडाउंस के नेम दे देने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया लखीमपुर, एक लखीमपुर हमारा गोडाउन चलता है। अंडर इसका कुछ भी नहीं डालेंगे, प्राइमरी डाल के एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसे एक दूसरा डाल देंगे यहाँ पे हम लखनऊ, इसको भी एंटर कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसे यहाँ पे एक और लिख देंगे हम लोग हरियाणा, ये हमारे गोडाउंस चलते हैं। तो तीनों गोडाउंस हमने यहाँ पे मेंटेन कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, आप जितने भी गोडाउंस बनाना चाहते हैं गोडाउंस बना लेंगे। इसके बाद आपको आना कहाँ है, गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको यहाँ पे वाउचर्स में आ जाना है, वाउचर्स पे आके एंटर की प्रेस कर लेना है। और यहाँ पे आपको यूज करना है परचेज वाउचर, F9 प्रेस कर लेंगे आपका परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नॉर्मल सी परचेज की एंट्री करनी, जैसे कि आपने यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम दिया, जैसे आपने यहाँ से ख़रीदा है अरुण ट्रेडर्स, अरुण ट्रेडर्स से आप कुछ खरीदेंगे, इनका अंडर डाल देंगे सन्ड्री क्रेडिटर। इतना करने के बाद आप एक्सेप्ट कर लेंगे इसको, बाकी डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। फिलहाल मैं डेमो दे रहा हूँ तो डिटेल्स ज़्यादा फिल नहीं करेंगे यहाँ पे। ये सब करने के बाद आप एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। और यहाँ पे पूछेगा आपसे परचेज लेजर, तो अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे परचेज अकाउंट, और इसका अंडर डाल देंगे परचेज अकाउंट्स, और इसको भी कर लेंगे एक्सेप्ट। आप कंट्रोल ए प्रेस करके भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो प्रोडक्ट परचेज करने हैं जो प्रोडक्ट आप अपने गोडाउंस में लगाना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया अल्ट सी किया, और यहाँ पे मैं लूँगा कोल्ड ड्रिंक, अरुण से आज हम कोल्ड ड्रिंक परचेज करने वाले हैं। और कोल्ड ड्रिंक फिलहाल तो अंडर यहाँ पे प्राइमरी डाल देंगे, यूनिट में डालेंगे आके बॉटल, बॉटल लिख देंगे यहाँ पे, और बॉटल यहाँ पे फुल नेम डाल देंगे। इसको कर लेंगे एक्सेप्ट, ये सब फिल कर लेंगे डिटेल्स, और इसको आइटम को कर लेंगे एक्सेप्ट। अब देखेंगे यहाँ पे आपके सामने आ चुका है गोडाउन का ऑप्शन, तो यहाँ पे आप अपने कीबोर्ड में स्पेस प्रेस करेंगे, आप देखेंगे जितने गोडाउन्स आपने बना रखे थे वो सब यहाँ पे नज़र आएंगे, जैसे कि हरियाणा, लखीमपुर, लखनऊ। मेन लोकेशन का मतलब जहाँ पे आपकी लोकेशन है, जहाँ से आप टैली कर रहे हैं, ठीक है। सपोज़ मैं कोल्ड ड्रिंक को हरियाणा में लगाना चाहता हूँ परचेज करके, तो हरियाणा सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम क्वांटिटी डालेंगे, जैसे कि 500 बॉटल्स हम खरीदेंगे तो 500 लिख दिया, रेट डाल दिया मैंने 85, और इसका अमाउंट ऑटोमेटिक आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, सेकेंड आइटम परचेज करेंगे तो उसके लिए फिर से अल्ट सी प्रेस करेंगे, यहाँ पे दूसरा आइटम खरीदेंगे आप, जैसे कि आपने यहाँ पे खरीदा बिस्किट्स, ठीक है, बिस्किट्स खरीदेंगे, अंडर डाल देंगे इसका फूड प्रोडक्ट, और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। यूनिट डाल देंगे इसका पैकेट, क्योंकि बिस्किट आपके पैकेट में आते हैं, पीकेटी शॉर्ट में यहाँ पे डाल दिया, और फुल नेम डाल देंगे इसका पैकेट, ठीक है, इसको भी कर लेंगे एक्सेप्ट। ये आइटम बन गया। फिर से आपसे पूछेगा गोडाउन, तो आप बिस्किट कहाँ पे लगाना चाहते हैं,
उसके लिए आप अपना लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि बिस्किट्स को मैं लखीमपुर में लगाना चाहता हूँ, तो लखीमपुर लिखा। और कितने बिस्किट्स हैं, सपोज पैकेट्स की बात करें तो 1000 पैकेट्स हम लोग खरीदेंगे, एक पैकेट की रेट क्या है 10 रुपीज़, तो ये आ गया इसका अमाउंट। ठीक है, ऐसे ही थर्ड आइटम हम लोग परचेज कर लेंगे, जैसे कि किया अलसी, और यहाँ पे कोई एक नया आइटम बना लेंगे, जैसे मैंने लिखा चोको, चॉकलेट्स खरीदेंगे हम लोग। और ये भी फूड प्रोडक्ट है, अंडर डाल देंगे इसका, ये भी पैकेट में या पीस में आती है तो पैकेट डाल देते हैं सपोज, इसको भी कर लेंगे एक्सेप्ट। फिर से गोडाउन पूछेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लखनऊ सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे 3 गोडाउन्स थे, तीनों गोडाउन्स में अलग अलग मैंने प्रोडक्ट लगा दिया, गोडाउन्स लखनऊ सेलेक्ट कर लिया। अब क्वांटिटी पे आके हम लोग क्या करेंगे, 500 पैकेट यहाँ पे हम चॉकलेट्स खरीदेंगे, एक की रेट क्या है 50 रुपीज़ सपोज, तो 50 रुपीज़ डाल दिया, 25,000 की चॉकलेट्स मैंने लखनऊ में लगा दी। ऐसे ही आप क्या करेंगे, जितने भी आइटम देने हैं आप आइटम सेलेक्ट करके गोडाउन नेम देते चले जाएंगे और एंट्री को कर लेंगे एक्सेप्ट। एंटर एंटर करके एंट्री हो गई एक्सेप्ट। अब दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में सिर्फ इतना आया कि जो आइटम खरीदा वो गोडाउन में लग गया। अब क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को हम लोग करेंगे सेल, तो जब सेल करेंगे तो उसी गोडाउन से हमें सेल करना पड़ेगा जिस गोडाउन में आपने लगा रखा है स्टॉक। ठीक है, सपोज आपने लखनऊ में चॉकलेट्स लगाई हैं तो लखनऊ से ही आपको चॉकलेट्स बेचनी है। अगर आप हरियाणा से बेच देंगे तो आपका हरियाणा चॉकलेट्स के लिए नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, क्योंकि हरियाणा में चॉकलेट्स लगी ही नहीं थी। ठीक है, ऐसे आप क्या करेंगे, अब F8 प्रेस करेंगे, सेल्स वाउचर ओपन कर लेंगे। सपोज आप कैश से किसी को सेल करने वाले हैं, कैश सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे पूछेगा सेल्स लेजर, तो अल्टी करेंगे, सेल्स लेजर बना लेंगे, यहाँ पे सेल अकाउंट इसका अंडर डाल देंगे, इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पे सपोज हमें बिस्किट सेल करने हैं, तो बिस्किट जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आप गोडाउन यहाँ पे देखेंगे तो बिस्किट कहाँ पे लगा हुआ है, लखीमपुर में, तो आपको लखीमपुर ही लेना है यहाँ पे। सपोज आपने हरियाणा ले लिया तो हरियाणा में तो बिस्किट थे ही नहीं, तो आपका बिस्किट जो है हरियाणा वो निगेटिव में हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, इसलिए आपको लखीमपुर में बिस्किट लगे हैं तो लखीमपुर ही गोडाउन सेलेक्ट करना है। अब 1000 बिस्किट लगे हैं, आपको जितना बेचना है वो बेच देंगे, जैसे कि 350 रुपये रेट डाल देंगे, जो भी आपकी रेट है आप सेल के लिए वो रेट डाल देंगे और इसको कर लेंगे एसेट। ठीक, अब फिर से आएंगे सेकेंड आइटम हम लोग, जैसे चॉकलेट्स लेते हैं तो चॉकलेट्स 500 पैकेट लगे हैं, अब इसको भी गोडाउन सेलेक्ट करेंगे, गोडाउन कहाँ पे है, लखनऊ, क्योंकि चॉकलेट्स तो लखनऊ में लगी हैं, 500 पैकेट लगे हैं, यहाँ पे मैंने 200 पैकेट भेज दिए, ठीक है, और रेट इसकी डाल दी 70 रुपीज़, एंटर कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे थर्ड आइटम ले लेंगे, सपोज आपने कोल्ड ड्रिंक ले ली, तो कोल्ड ड्रिंक कहाँ पे लगी हुई है, उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हरियाणा में कोल्ड ड्रिंक लगी हुई है, ठीक है, 500 बोतल, तो हरियाणा सेलेक्ट करेंगे और जितनी बोतल आपको सेल करनी है वो लिख देंगे और रेट डाल देंगे यहाँ पे जिस रेट से आप बेचना चाह रहे हो। ऐसे ही अपने सारे प्रोडक्ट्स देते ही चले जाएंगे, ठीक, और एंट्री को कर लेंगे एक्सेप्ट। तो इस तरीके से आपकी सेल और परचेज की एंट्री हो चुकी है गोडाउन के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इस तरीके से अपने आप परचेज की एंट्री गोडाउन में मेंटेन करेंगे, सेल की एंट्री गोडाउन से मेंटेन करेंगे, क्योंकि जिस गोडाउन में आपने परचेज किया है उसी गोडाउन से आपको सेल करना होता है। होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा गोडाउन कैसे यूज करना है, कैसे परचेज में स्टॉक परचेज करके स्टॉक लगाना है गोडाउन में, और कैसे गोडाउन से आपको सेल करना है। तो यहाँ आज तक के लिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज जरूर डालिएगा, मैं उसका रिप्लाई विद इन 24 आवर्स में ज़रूर दूंगा। अगर आपको डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करना है तो इस दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स बिल्कुल अलाउ नहीं है। व्हाट्सअप पे भी आपसे मैं डिस्कशन करूंगा और आपके डाउट्स को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।